हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक और बड़ी भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास जा चुका है, जिनकी संख्या है 700। इसके अलावा सहायक प्राध्यापक भर्ती पर जो अपडेट मिल रही है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण वन विभाग में बहुत ही बड़ी अपडेट मंत्री के जी के द्वारा दी गई है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वन विभाग में कुछ कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा था, बिल्कुल। और इस हड़ताल ये हड़ताल खत्म भी हुई, और हड़ताल खत्म हुई मंत्री जी के वक्तव्य से। मंत्री जी ने क्या कहा स्पष्ट तौर पर, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि संविदा नियुक्ति को रोककर 100 पदों पर उप वन क्षेत्रपाल की होगी पदोन्नति। साफ है कि जो ये वन क्षेत्रपाल की भर्ती है, ये बोल सकते हैं व्यापम के द्वारा माध्यम से भरी जाती है। आपको बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण बात ये, देखिए संविदा नियुक्ति रोककर हर वर्ष 100 पदों पर, हर वर्ष देखिए यहाँ पे कहा गया है, हर वर्ष 100 पदों पर उप वन क्षेत्रपाल की पदोन्नति का आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश के वन कर्मियों के ने 3 दिन से चली आ रही हड़ताल को शनिवार को समाप्त कर दिया। अब छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ में 180 पदों पर संविदा नियुक्ति को रोककर 100 पदों पर प्रति वर्ष उप वन क्षेत्रपाल की पदोन्नति की जाएगी। रायपुर के तूत वन में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही थी। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को वन मंत्री केदार कश्यप से मिलकर मुलाकात की, और वन मंत्री ने वन कर्मचारियों की 4 सूत्री मांगों पर निर्णय लेते हुए लिखित आश्वासन दिया। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद वेतन ग्रेड पे और विभागीय सेटअप की बाकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने 4 सूत्री मांगों की चर्चा की। बैठक में वन कर्मियों की पदोन्नति के आड़े आ रहे लघु वनोपज संघ के 180 पदों पर संविदा भर्ती पर रोक लगाते हुए, याद रखिएगा जो वन लघु वनोपज संघ के 180 पदों पर जो संविदा भर्ती हो रही थी उस पर रोक लगा दिया गया है, और वन मंत्री ने पहले वनपालों की पदोन्नति को प्राथमिकता देते हुए वनपालों की उप वन क्षेत्रपाल में पदोन्नति किए जाने पर उन्हें 1 साल तक लघु वनोपज संघ में सेवा देना होगा, इस प्रकार की बात कही गई है। साथ में देखिए पदोन्नति व संविदा के 50-50% पदों पर सहमति। बैठक में वन मंत्री ने हर साल लघु वनोपज संघ में 100 पदों पर उप वन क्षेत्रपाल को नियुक्त करने के बाद बचे हुए पदों पर संविदा भर्ती किए जाने पर सहमति बनी। 50% पदों पर पदोन्नति व 50% पदों पर संविदा भर्ती हो सके, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही विभाग में उप वन क्षेत्रपाल के वास्तविक रिक्त पदों के आधार पर संघ में कार्यरत उप वन क्षेत्रपालों की विभाग में सेवा वापसी व संघ में उपस्थित या सेवा सौंपने की कार्यवाही हर साल की जाएगी। वनोपज संघ में पदस्थ कर्मचारी न्यूनतम 1 साल तक अनिवार्य रूप से पदस्थ रहेंगे। इस अवधि को पूरी किए बिना वन विभाग में आने की स्थिति में वन पाल ही माना जाएगा। 1 हफ्ते में वित्त विभाग से वेतनमान पर स्वीकृति, मतलब देखिए साफ है कि अब हर साल जो है उप वन क्षेत्रपाल की पदोन्नति होगी 100 पदों पर। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस पद पर सीधी भर्ती नहीं आ सकती, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये सारे पद अलग है और सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद अलग है। वैसे भी मंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही चुनाव होगा, चुनाव के बाद इस पर सीधी भर्ती की जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली खबर हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहायक प्राध्यापक भर्ती के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है इनके जो प्रतिनिधिगण है वो उच्च शिक्षा मंत्री जो है उच्च संचालय गए थे, और वहां पे उन्होंने एक लेटर दिया है जिसमें कि उन्होंने मांग की है, जो सहायक प्राध्यापक और सेट एग्जाम की उन्होंने मांग की है कि आप इसको हर साल कराइए ऐसा करके। इसके साथ ही आपको एक बड़ी न्यूज ये बताना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि ये जो सहायक प्राध्यापक भर्ती है वो सीजीपीएससी में उसके जो कैलेंडर है उसमें संभवतः इसके रहने की उम्मीद कम है। भर्ती जरूर आएगी परंतु इस साल ही आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इस साल आएगी, लेकिन वो एग्जाम कैलेंडर में जो है संभवतः जो है देखने को नहीं मिल सकती। वैसे तो कहा जा रहा है कि इसको एग्जाम कैलेंडर में सम्मिलित किया जाना चाहिए, और मांग भी की जा रही है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती को जो है एग्जाम कैलेंडर में सम्मिलित किया जाएगा जो सीजीपीएससी में आएगा, परंतु कहीं कहीं से जो सुनी सुनाई खबर है वो ये है कि इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कारण ये बताया जा रहा है कि चूंकि ये जो भर्ती का इसकी भर्ती का जो प्रोसेस है, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक की भर्ती का प्रोसेस, ये बहुत ही लंबा और पेचीदा है। इस वजह से
इसको जो है तय समय सीमा, चूंकि आप सभी जानते हैं जब एग्जाम कैलेंडर जारी होता है तो उसमें एक एग्जैक्ट कैलेंडर दिया जाता है कि इतने तारीख को आपका संभावित परीक्षा तिथि होगी, इतने तारीख को ये होगा। इसी वजह से ऐसा जो संभावित तिथि दी जाती तो उसमें ऐसा रहता है कि फिक्स डेट रहता है, लेकिन सहायक प्राध्यापक की भर्ती में लेट लतीफी होती है, इसी वजह से उसको एग्जाम कैलेंडर से बाहर रख के भर्ती लिया जाएगा, इस प्रकार की बात कही जा रही है। अब ये तो फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या एग्जाम कैलेंडर में सहायक प्राध्यापक भर्ती को लिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मैंने आपको दिखाया था पिछली बार एग्जाम कैलेंडर, उसमें सहायक प्राध्यापक भर्ती को सम्मिलित किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा करने की मांग जो है वो वहां तक पहुंच चुकी है कि जो सहायक प्राध्यापक भर्ती है उसको जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के एग्जाम कैलेंडर में सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा सेट एग्जाम और टेट एग्जाम के लिए देखिए बताया जा रहा है कि निश्चित रूप से इसका एग्जाम जो है नई शिक्षक भर्ती के आने से पहले जो टेट एग्जाम है शिक्षक पात्रता परीक्षा वो होगा, इस प्रकार की बात कही जा रही है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर क्या हम व्यापम के पास जाए कि इसकी परीक्षा लीजिए ऐसा करके। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण, व्यापम जब ऊपर से ऑर्डर आता है, विभाग के द्वारा प्रस्ताव आता है कि हमको ये परीक्षा लेनी है, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो या प्रवेश परीक्षा हो, तब व्यापम जो है वो कदम आगे बढ़ाता है। तो अगर आपको सेट एग्जाम कराना है या टेट एग्जाम कराना है तो आप अपने विभाग के पास जाके ये मांग करिए कि भैया आप लोग टेट एग्जाम करवाइए या सेट एग्जाम का प्रस्ताव बना के व्यापम को दीजिए, तब जाके व्यापम एग्जाम लेगा। व्यापम को अगर आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि व्यापम करो, क्योंकि व्यापम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट बॉडी है, जो ऊपर से आदेश आएंगे, जो जो भी प्रस्ताव आएगा उसके आधार पर जो है वो व्यापम क्या करता है एग्जाम लेता है। तो आप लोग अगर सेट एग्जाम टेट एग्जाम करवाना चाहते हैं, जल्द करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपने विभाग, उच्च शिक्षा विभाग हो या स्कूल शिक्षा विभाग हो, वहां पे जाके ये प्रस्ताव बता दीजिए कि भैया हमको टेट एग्जाम या सेट एग्जाम करवाना है जो नई शिक्षक भर्ती या नया सहायक प्राध्यापक आने के पहले, ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है जो कि है 700 पदों पर भर्ती को लेके। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जो एवीएफओ वाले हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत की है सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए, जो पद के लिए, और इनके पद मात्र अभी आए हुए थे 150 पद, और इन्होंने 834 पदों पर हर जगह जाके मिला, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, और तमाम भाजपा के विधायकों से इन्होंने मुलाकात की और अंत में इनको सफलता मिल गई। जी हाँ, सफलता ये ऐसे मिली कि जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो खबर है उसमें बताया गया है कि आप सभी के हित में प्रांत अध्यक्ष और पूरे संगठन के प्रयास से संचालक द्वारा 700 पद पर भर्ती हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, जिसकी प्रशासकीय अनुमोदन हो गया है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि प्रशासकीय अनुमोदन हो गया है, और प्रशासकीय अनुमोदन होने के बाद जो है ये वित्त विभाग से स्वीकृत हेतु जाएगा, वहां से कितने पदों पर फाइलर स्वीकृति होने के पश्चात विज्ञापन जारी होने की कार्यवाही की जाएगी। मतलब साफ ये है कि जैसे ये वित्त विभाग के पास जाएगा, अब वित्त विभाग या तो 700 पदों पर अनुमति देगा या तो 500 या 300 के आसपास, जैसे वित्त विभाग को लगे उस प्रकार से वो अनुमति देकर इस भर्ती को विज्ञापन जारी कर देगा। तो देखिए ये प्रोसेस है, और इन लड़कों ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात अच्छे ढंग से सही जगह रखी, और इसका परिणाम देखिए कि इनका प्रशासकीय स्वीकृति हो गया है, अब ये जा रहा है वित्त विभाग के पास, वित्त विभाग जैसे जो है स्वीकृत करेगा तुरंत इनकी जो भर्ती विज्ञापन है जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। वैसे भी बजट आप लोगों के समक्ष 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसके बाद किस तरीके से, किस गति से भर्तियां आती है। तो यही सब आप सभी को न्यूज़ देना था, आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।